बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीनियर मोशन की इस प्रॉब्लम में हम एक नॉन वैल्यू से चार अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड्स। हाउ हाई द बॉल राइज। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू रीच इट्स हाइएस्ट पॉइंट। How long does the ball remain in air? And what speed does the ball strike the ground? अब हम प्रॉब्लम को विजुलाइज कर लेते हैं। विजुलाइज करने से सारी सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएगी। बॉल की इस कहानी में तीन ख़ास मकाम आते हैं, उन पर आपने गौर करना है। एक वो पॉइंट है जहाँ से बॉल ने स्टार्ट किया, एक मैक्सिमम हाइट, और एक वो पॉइंट जब ये हिट करेगी ग्राउंड को। इसको हम कहेंगे पॉइंट ए, और इस पॉइंट को कहेंगे बी, और ये लास्ट पोजीशन सी कहलाएगी। मकाम ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी 98 मीटर पर सेकंड्स, जो कि मकाम बी तक पहुँचते पहुँचते 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इस तरह इनिशियल 98 मीटर पर सेकंड और फाइनल 0 मीटर पर सेकंड होगी। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ऊपर जाते वक्त नेगेटिव होगी क्योंकि बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और नीचे आते वक्त पॉजिटिव होगी क्योंकि बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, और फिर ही किसी वेलोसिटी के साथ ज़मीन से टकरा जाएगी। वो वेलोसिटी अननोन है, हम नहीं जानते किस वेलोसिटी से टकराएगी, और इसको हम VF डैश कह देंगे क्योंकि VF हम पहले यूज़ कर चुके हैं। और इस कहानी में बॉल जितना वर्टिकल डिस्टेंस तय करती है इसको हम हाइट कहते हैं, और इसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि फ्री फॉल की स्टोरी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो लिहाजा डेटा भी अब ए टू बी और बी टू सी बनेगा। ए टू बी इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो गई थी, और हम जानते हैं कि ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा होता है। अब कहानी में हमें ये तीन बातें पता हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड जी। अब इनकी मदद से हम क्या आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है T1 ऊपर जाने का टाइम और T2 नीचे आने का टाइम। ए टू बी के पार्ट में हम T1 फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले, और देन H मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट कर लेंगे इसी पार्ट में। बी टू सी पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि कहानी का पहला पार्ट ज़ीरो पे ख़त्म हुआ था, तो अगला पार्ट ज़ीरो से ही शुरू होगा, और शुरू की वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो वही ज़ीरो वेलोसिटी जो पिछले पार्ट में फाइनल वेलोसिटी थी, अब अगले पार्ट में वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और जी की वैल्यू +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि नीचे आते वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है। फ्री फॉल की स्टोरी में लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी किस रफ्तार से टकराएगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कि ये कितनी देर हवा में रहेगा। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके साथ ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। सॉल्यूशन से पहले स्ट्रेटजी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, और जी की वैल्यू भी हम जानते हैं। इन तीन बातों के मालूम होने के बाद हम आसानी से T1 फाइंड आउट कर सकते हैं, और T1 है मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। इसका सबसे आसान रास्ता ये है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास इनिशियल, फाइनल और जी तीनों मौजूद हैं, और हम जी की वैल्यू को नेगेटिव रखेंगे क्योंकि ऊपर जाते वक्त जी नेगेटिव होता है। जिन तीन चीज़ों की मदद से हमने टी फाइंड आउट किया है, उन्हीं की मदद से हम एच फाइंड आउट कर सकते हैं, और एच क्या होता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम एच है, और ये फाइंड आउट हो सकता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2GH इज़ इक्वल टू VF² - VI² ये इसकी फ्री फॉल फॉर्म है जिसको आप 2AS इज़ इक्वल टू VF² - VI² कहते हैं। इस तरह हम स्टोरी के पहले हिस्से में एच और T1 फाइंड आउट कर लेंगे। इस स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि T1 और T2 हमेशा इक्वल होते हैं। उसकी वजह यह है कि टेक ऑफ और लैंडिंग में हमेशा इक्वल टाइम लगता है क्योंकि लॉज सेम है, जो कानून ऊपर जाने के लिए हैं वही कानून नीचे आने के लिए, इसलिए इक्वल टाइम लगता है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सीधे सीधे टी वन को डबल कर दें यानी टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टी यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। क्योंकि टी वन टी टू के बराबर है इसका मतलब टी टू हमें बग़ैर सॉल्व किए मिल जाएगा। टी टू की वैल्यू मिलने के बाद हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके इस टाइम की वैल्यू के साथ हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए अपनी लास्ट अननोन वैल्यू वी एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले टी वन और फिर मैक्सिमम हाइट और फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और फिर फाइनली वी एफ डैश को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम टी वन के लिए सॉल्व करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे वी एफ ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड एंड जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 98 इक्वेशन के इस तरफ जाके माइनस 98 हो जाएगा और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। टी वन बराबर हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 9.8 और डिवीजन परफॉर्म करने के बाद टी वन 10 सेकेंड्स के बराबर होगा। अब हम एच के लिए सॉल्व करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम जानते हैं कि एच फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंशन करेंगे 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, 2g 9.8 नेगेटिव में ऊपर जाते वक्त h मालूम करना है, वी एफ ज़ीरो हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 98 मीटर पर सेकेंड। 9.8 का डबल माइनस 19.6 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 98 का स्क्वायर होगा 9604 दैट इज़ स्क्वायर ऑफ 98। तो हाइट बराबर होगी माइनस 9604 डिवाइडेड बाय माइनस 19.6 और डिवाइड करने से हमें हाइट मिल जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और डिवाइड करने से आपको हाइट मिल जाएगी दैट इज़ 490 मीटर्स। एक दफ़ा फिर स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं टाइम, तो अब हम टाइम के लिए सॉल्यूशन करेंगे। टोटल टाइम बराबर होगा टी वन प्लस टी टू के। टी वन टेक ऑफ का टाइम है और टी टू है लैंडिंग का टाइम, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग का टाइम क्योंकि सेम है, इक्वल है, इसलिए हम टोटल टाइम टी वन को डबल करके भी हासिल कर सकते हैं, 2 × t1 क्योंकि टी वन टी टू के बराबर है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, टी वन 10 सेकेंड था तो यहाँ पे टी वन की जगह 10 सेकेंड्स आएगा और टी 20 सेकेंड्स के बराबर हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अब लास्ट में हम वी एफ डैश को फाइंड करने जा रहे हैं, ये वो वेलोसिटी है जिससे ऑब्जेक्ट ज़मीन से टकराएगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम की वैल्यू और इनिशियल वैल्यू और जी की वैल्यू के साथ यूज़फुल है। फर्स्ट इक्वेशन को मेंशन करके हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वी एफ डैश बराबर होगा, वी आई को ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि नीचे का सफ़र ज़ीरो से शुरू हुआ था, जी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था और नीचे आते वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और टी की वैल्यू हम टी वन के बराबर यानी 10 सेकेंड्स को रखेंगे, 9.8 एंड 10 सेकेंड्स। अब आप सिंप्लीफाई करने से आपको क्या मिलेगा, 98 मीटर पर सेकेंड, जिस रफ्तार से फेंका था उसी रफ्तार से वापस आएगा। दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर गोली को हवा में फायर किया जाए तो क्या वापस आने वाली गोली डेंजरस होगी। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल गया होगा। Now you have got all the answers. Thanks for watching. Allah Hafiz.